हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर इंडिपेंडेंस डे 3D स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह का स्पेशल स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आपको इस तरह से स्पेशल स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको कैनमास्टर ऐप को डाउनलोड करना है। कैनमास्टर ऐप की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके कैनमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कैनमास्टर ऐप को ओपन करना है। कैनमास्टर ऐप ओपन करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए पहला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहां से आपको नायर SSD की साइज को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से गाइस आपको इस समय एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। ब्लैक बैकग्राउंड की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी लेयर को खींचकर थोड़ा सा लंबा कर देना है। इस तरह से आपको इसको थोड़ा सा लंबा कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में जो भी वीडियो इफेक्ट और साउंड यूज हो गया, आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से गाइस आपको इसमें पहले एक वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट होने के बाद आपको इसको कुछ इस तरह से लगा देना है। इस तरह से आपको सेट करके ब्लैक बैकग्राउंड में लगा देना है। अब आपको इसकी लेयर को खींचकर ब्लैक बैकग्राउंड की लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। फिर से लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक वाइड फ्लाई वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींच कर इस तरह से लगा देना है। यहाँ से आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो जाएगी। अब गाइस, आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक और वॉलपेपर को इसमें सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको इस वाले वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है की वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको खींचकर इस तरह से आपको एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद गाइस आपको फिर से की वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा देना है। आपको वॉलपेपर को खींचकर इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में लगा देना है। तो आपको पूरी तरह वॉलपेपर को फुल स्क्रीन में खींच कर लगा देना है। अब आपको शुरू में जाना है। इस तरह से आपको शुरू में जाना है वॉलपेपर के। अब आपको वॉलपेपर को फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा देना है। इस तरह से आपको इसको लगा देना है। अब गाइस, यहां से आपको इसको डन कर देना है। गाइस, आपने जो फर्स्ट नंबर में वॉलपेपर को सिलेक्ट किया था, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको की वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको एंड में जाना है। इस तरह से आपको लास्ट में जाना है। अब गाइस, आपको वॉलपेपर को खींचकर कुछ इस तरह से लगा देना है। इस तरह से आपको इसको खींचकर इस तरह से आपको अच्छे से इसको सेट करना है। सेट होने के बाद आपको शुरू में जाना है। आपको शुरू में जाना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर को इस तरह से खींचकर फुल स्क्रीन में लगा लेना है। तो गाइस, आपको इसी तरह से सेम करना है। तो आपकी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब आपको गाइस इसमें साउंड को सिलेक्ट करना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एस्ट्रक आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस इस वीडियो का आईडी निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो का आईडी निकल कर आ चुका है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में साउंड लग चुका है और हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस, आपको वीडियो की एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट करना है। कट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है।
तो गाइस हम इस वीडियो के साउंड को यहाँ पर नहीं चला सकते क्योंकि गाइस इस वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, तो यहाँ पर हम साउंड को इसको म्यूट कर देंगे। अब आपको चला कर दिखाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको वीडियो की क्वालिटी को सिलेक्ट करना है, जिस भी क्वालिटी में आप वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इसको 1080p की क्वालिटी में इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंडिपेंडेंट डे 3D स्पेशल स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।